स्वागत है दोस्तों तुहाडे सब दा अपने चैनल GS अपडेट्स ते एक होर नवीं वीडियो दे विच। सो लैके आ चुके हैं तुहाडे सब दे लई जमात 10वीं पंजाबी ए दे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस एक्सपैक्टेड क्वेश्चनस सॉल्वड। सो पूरी जानकारी विल सल्यूशन तुहानूं अज दी इस वीडियो दे विच दित्ती जाएगी। सो वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना ते नाल ही चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लवो इसे तरह होर वीडियोज़ सब तो पहलां अते समय-समय सिर देखण दे लई। सो ज़्यादा समां वेस्ट ना करदे होए चलो आपां अज इस वीडियो नूं शुरू करदे हां। सो PSEB जमात 10वीं सब्जैक्ट पंजाबी ए टर्म 2 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस। ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਏ शब्द किस दी रचना है। सो उत्तर है गुरु अर्जन देव जी। नैक्सट प्रश्न दूसरा। गुरु अर्जन देव जी सिखां दे किनवें गुरु सन। सो उत्तर है पंजवें गुरु। ये प्रश्न पहला भी पूछा गया है 2011 दे विच। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने सारे प्रश्नों को ध्यान नाल नोट जरूर करना है। प्रश्न तीसरा। किस दा नाम ध्यान नाल महा सुख प्राप्त हुंदा है। सो उत्तर है परमात्मा दा। प्रश्न चौथा। विकारां दा औखा घोल किस तरह जित्या गया है। उत्तर गुरु दी किरपा नाल। प्रश्न पंजवां। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताए बाणी विच किस दे मिलाप दी तड़फ बयान कीती गई है। सो उत्तर है ऑप्शन ए गुरु पिता दे। नैक्सट प्रश्न छेवां। गुरु अर्जन देव जी अपनी जिंद नूं किस तों घोल घुमाउण कुर्बान करन दा भाव प्रगट करदे हन। उत्तर है गुरु पिता तों। प्रश्न सत्तवां। गुरु अर्जन देव जी ने मेरे सज्जन मीत मुरारे जीओ किस नूं कहा है। उत्तर गुरु पिता नूं। नैक्सट प्रश्न अठवां। सतगुरु नानक प्रगटिया देख पराया चंगियाइयां आप भला सब जग भला अकृत कण कविता दा रचनहार कवि कौन है। उत्तर भाई गुरदास जी। प्रश्न नौवां। भाई गुरदास जी दी किसी एक कविता दा नाम लिखो। उत्तर सतगुरु नानक प्रगटिया। प्रश्न दसवां। दोस्तों अगर आपका भी सपना है नीट क्रैक करने का और आप अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेके आया है सभी टॉप एजुकेटर्स को अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को। सो अभी अनअकैडमी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर चल रहा है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, जिसमें आपको 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 299 रुपीज़ में दिया जा रहा है। एंड एडिशनली अगर आप मेरा कोड GS अपडेट्स यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 20% ऑफ इस पे दिया जाएगा। सो बेस्ट ऑफर है अभी तक का अनअकैडमी पे, जिसमें आपको 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 240 इफेक्टिव प्राइस पे मिल जाएगा। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए मेरा कोड GS अपडेट्स यूज़ करते हुए। एंड साथ में इसमें आपको लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर करने का मौका मिलेगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग होगा, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रेपरेशन होगा, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग होगी। सो ये ऑफर वैलिड है 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए मेरा कोड GS अपडेट्स यूज़ करते हुए। एंड साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन के आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर का आपको सपोर्ट मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आप कर पाएंगे, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए मेरा कोड GS अपडेट्स यूज़ करते हुए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। किसने प्रगट होण जन्म लैण नाल संसार तों अज्ञानता दा हनेरा धुंध मिट गया ते ज्ञान दा चानण हो गया है। उत्तर गुरु नानक देव जी। प्रश्न 11वां। चारे दिशावां ते 9 खंडा नूं किस ने तारिया। उत्तर गुरु नानक देव जी ने। नैक्सट प्रश्न 12वां। गुरु नानक देव जी किस युग विच प्रगट होए। उत्तर कल युग। प्रश्न 13वां। गुरु नानक देव जी दे जन्म नाल कादा प्रकाश हो गया। उत्तर ज्ञान दा सच दा। प्रश्न 14वां गुरसिख नू पराया इस्त्रियां नू की समझना चाहिए है। उत्तर मावां तियां अते भैणां। प्रश्न 15वां हिंदू लई पराया धन खाना की खांद दे बराबर हुंदा है। उत्तर गऊ दे मांस बराबर। प्रश्न 16वां मुसलमान लई केड़ी चीज़ सूर दा मांस खाण दे बराबर है। उत्तर पराया धन। प्रश्न 17वां सब सुआरू उसर गाए है पर धन हिंदू मुसलमान ने। इस तुक विच गुरसिख नू किस गल ते वरजिया गया है। उत्तर पराया हक खाण तो। प्रश्न 18वां कौन सुख वल प्राप्त करता है अते राजयोग का रस माणदा है। उत्तर गुरमुख। प्रश्न 19वां युधिष्ठिर ने दुर्योधन की बुरी भला तकन की नज़र इको जी क्यों नहीं सी। उत्तर आपो अपने सुभाव कारण। प्रश्न 20वां सारा संसार किसनू बुरा दिसदा है। उत्तर बुरे नू। प्रश्न 21वां धरती नू किसदा भार लगता है। उत्तर अकृतकणा दा। प्रश्न 22वां बुल्ला की जाने मैं कौन इश्क दी नवी बहार तेरा नाम ध्याई दा कविता किस कवि की रचना है। उत्तर बुल्ले शाह। प्रश्न 23वां बुल्ले शाह की रची हुई किसी एक कविता का ना लिखो। उत्तर बुल्ले की जाना मैं कौन इश्क दी नवी बहार तेरा नाम ध्याई दा। प्रश्न 24वां बुल्ले शाह संसार विच किस तो सिवा किसे होर तो नहीं पछाणदा। उत्तर रब तो। प्रश्न 25वां बुल्ला की जाने मैं कौन कविता विच कवि किस दी पछाण करन दे यतन विच है। उत्तर अपनी मैं दी। प्रश्न 26वां बुल्ले शाह नू अपनी मैं किहो जिही प्रतीत हुंदी है जां बुल्ले शाह नू अपने आप किहो जिहा प्रतीत हुंदा है। उत्तर रब नाल इक मिक। प्रश्न 27वां बुल्ले शाह नू केड़ी कविता विच अपनी मैं दी होंद खत्म होई प्रतीत हुंदी है। उत्तर बुल्ला की जाना मैं कौन। नैक्सट प्रश्न 28वां बुल्ला की जाना मैं कौन काफ़ी विच बुल्ले शाह नू सारा संसार किस दा रूप दिखाई दिंदा है। उत्तर रब दा। प्रश्न 29वां इश्क दी नवी बहार कविता विच कवि केड़े इश्क दी गल करदा है। उत्तर हकीकी। प्रश्न 30वां बुल्ले शाह दा महरम यार कौन है। उत्तर रब। प्रश्न 31वां मसीत विच उम्र गवाउण वाले मोमन दा अंदर काहदे नाल भरिया रहंदा है। उत्तर पलीती नाल गंदगी नाल। प्रश्न 32वां बुल्ले शाह अनुसार केड़ा शब्द पढ़न नाल मैं तू दा भेद मिट गया है। उत्तर इश्क दा। प्रश्न 33वां बुल्ले शाह रांझा किस नू आखदा है। उत्तर रब नू। प्रश्न 34वां बुल्ले शाह हीर किस नू आखदा है। उत्तर अपने आप नू। प्रश्न 35वां केड़ी अवस्था नू प्राप्त करके बुल्ले शाह दी कूक पुकार खत्म हो गई है। उत्तर रब नाल इकमिकता दी। प्रश्न 36वां बुल्ले नालों चंगा किस नू कहा गया है। उत्तर चूल्हे नू ऑप्शन ए। प्रश्न 37वां रंगण नालों चंगा किस नू कहा गया है। उत्तर खिंगर नू ऑप्शन बी। प्रश्न 38वां बुल्ले शाह अनुसार कसाई दा बकरा बन के की मिलता है। उत्तर सहू। प्रश्न 39 शेख फरीद जी बुल्ले शाह हुसैन किस काव्यधारा का कवि है। उत्तर सूफी काव्यधारा। प्रश्न 40वां सूफी काव्यधारा दे किस एक कवि का ना लिखो। उत्तर बुल्ले शाह। प्रश्न 41वां हाशम ने केड़े प्रसिद्ध किस्सा लिखिया जां ਸਿਹਤਮਾਲਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਵਿ ਅੰਸ਼ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ ਦਾ। प्रश्न 42वां, किस्सा सस्सी पन्नू किसने लिखा? उत्तर हाशम शाह ने। प्रश्न 43वां, सस्सी मारूथल किस विच किस दा पीछा कर रही सी? उत्तर पुन्नू दा। प्रश्न 44वां, सस्सी मारूथल विच किस नू ढूंढ रही सी? उत्तर पन्नू दी डाची दी पैड़ नू। प्रश्न 45वां, सस्सी किस दे पिछे मारूथल विच शहीद होना मरना चाहुंदी सी? उत्तर पुन्नू दे। प्रश्न 46वां, सस्सी दे नाजक पैर किहो जेहे सन? उत्तर गुलाब वर्गे। नैक्सट प्रश्न 47वां, सस्सी दा लू लू किस दा नां पुकार रहा सी? उत्तर होत पुन्नू दा। प्रश्न 48वां, सस्सी का मान की याद आउण नाल टुट गया? उत्तर पंबोर शहर। नैक्सट 49वां क्वेश्चन, हाशम अनुसार संसार विच किस प्रति नू गाउंदा है? उत्तर संपूर्ण प्रीत नू। प्रश्न 50वां, सस्सी ने मारूथल विच किस दी खातर जान गवाई सी? उत्तर प्रेमी पुन्नू खातर। प्रश्न 51वां, कादर यार ने किहड़े प्रसिद्ध किस्सा लिखा जां फिर सहतमाला पाठ पुस्तक विच दर्ज काव्य अंश कादर यार दे किस किस्से विचों लए गए हैं? उत्तर किस्सा पूरन भगत। नैक्सट, पूरन का नाम इच्छा नू पूरन की सज़ा का पता लगना माँ पुत्र का मेल काव्य अंश किस कवि की रचना हैं? उत्तर कादर यार। नैक्सट, पूरन का जन्म कित्थे होया? उत्तर सियालकोट विच। नैक्सट, पूरन के बाप का नां की सी? उत्तर सलवान। नैक्सट, इच्छरा कौन सी? उत्तर पूरन की माँ। लूणा पूरन की की लगती सी? उत्तर मतरेई माँ। नैक्सट, पूरन ने पहला इच्छरा अपने आप नू किस दा पुत्र दस्या? उत्तर नाथ नू। नैक्सट, जंगनामा सिंगा दे फिरंगियां किस कवि की रचना है? उत्तर शाह मुहम्मद। जंगनामा सिंगा दे फिरंगियां विच किन्ना किन्ना धीरां दी लड़ाई का हाल बयान किया गया है? उत्तर अंग्रेजा दे सिंगा दी। नैक्सट, फिरंगी किसनू कहा गया है? उत्तर अंग्रेजा नू। नैक्सट, कवि ने सरकार शब्द किस लिए वरत्या है? उत्तर महाराजा रणजीत सिंह। नैक्सट, 62वां प्रश्न, जंग दा हाल कविता विच केड़ी थां दा जिक्र है? उत्तर फेरू शहर दा, ऑप्शन डी। प्रश्न 63वां, टुंडा लाट कौन सी? उत्तर हैनरी हार्डिंग। नैक्सट, शाह मुहम्मद सिख फौज की हार का कारण की समझदा है? उत्तर महाराजा रणजीत सिंह की अणहोंद। नैक्सट, शाह मुहम्मद की केड़ी रचना प्रसिद्ध है? उत्तर जंगनामा सिंगा ते फिरंगियां। नैक्सट, शाह मुहम्मद किस काव्यधारा दे कवि हैं? उत्तर बीर काव्यधारा। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ ਲੇਖ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਉਮਰੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਬਾਬਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ 1816 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਜਰੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। प्रश्न 6वां, बाबा बालक सिंह ने केड़ी धार्मिक जथेबंदी दीनी रखी? उत्तर जंगियासुआ अभ्यासियों की। प्रश्न 7वां, पंजाब विच बाबा राम सिंह की अगवाई विच जगियासुआ अभ्यासियों की जथेबंदी केड़े नाम नाल प्रसिद्ध हुई? उत्तर नामधारी जथेबंदी कुकियां दी जमात। नैक्सट प्रश्न 8वां, बाबा राम सिंह जी नूं देश निकाला दे के किथे भेजा गया? उत्तर रंगून विच। प्रश्न 9वां, बाबा राम सिंह दे पैरोकार की अखाउंदे सन? उत्तर कुके। प्रश्न 10वां, गरीब तो गरीब कुका भी अपने गुआंढियां तो किस गल विच वखरा दिसदा है? उत्तर सफाई विच। 11वां प्रश्न, बाबा राम सिंह जी का देहांत कदों होया? उत्तर 1885 ईस्वी विच। प्रश्न 12वां, महाकवि कालीदास लेख किस दा लिखिया होया है? उत्तर प्यारा सिंह पदम। प्रश्न 13वां, कालीदास किस दे 9 रत्ना विचों एक सी? उत्तर बादशाह बिक्रमजीत दे। प्रश्न 14वां, कालीदास के किन्ने नाटक प्रसिद्ध हैं? उत्तर 4। 15वां प्रश्न, कालीदास के किन्ने काव्य प्रसिद्ध हैं? 3। प्रश्न 16वां, कालीदास ने किसी एक काव्य का नाम लिखो? रंगूवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत। प्रश्न 17वां, अभिज्ञान संकुतला, विक्रमवशी नाटक किसकी रचना है? उत्तर कालीदास। प्रश्न 18वां, अभिज्ञान संकुतला दे नायक ते नायिका कौन हैं? उत्तर दुष्यंत ते संकुतला। 19वां प्रश्न, पश्चिम वालियां ने कालीदास बारे की कहा? उत्तर हिंदुस्तान दा शेक्सपीयर। 20वां प्रश्न, ज्ञानी गुरदीत सिंह दा लेख्या लेख केड़ा है? मेरे वड्डे वडेरे। नैक्सट, लेखक गुरदीत सिंह ने नां नाल केड़ा शब्द जुड़िया होया सी? उत्तर ज्ञानी। प्रश्न 22वां, लेखक दे दादे किन्ने भरा सन? 4। नैक्सट 23वां प्रश्न, लेखक दे दादे केड़े पिंड विआह उत्ते गए सन? उत्तर छापे पिंड। प्रश्न 24वां, बाबिया ने की चटम किया? उत्तर प्रसाद दा कड़ाहा। प्रश्न 25वां, चौधरी चढ़त सिंह पिंड दी लाज बचाउण लई किस कोल गया? बाबे पुन्नू कोल। प्रश्न 26वां, बाबिया दी भैन किथे विआही हुई सी? उत्तर चड़िक विच। प्रश्न 27वां, पहलवान ने बाबिया दी भैन नूं की मन्या? उत्तर भैन। लेखक नूं अपने वड्डे वडेरे किहो जिहे जापदे सन? उत्तर दानो दिओ। 29वां प्रश्न, तुरन दा हुनर लेख दा लेखक कौन है? उत्तर डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर, ऑप्शन ए। प्रश्न 30वां, लेखक अनुसार कौन लंबे पेंडू उत्ते तुरन दा हौसला ते सिदक विखा सकता है? उत्तर सबर संतोख वाला आदमी। 31वां, हल्के फुलके होने का हुनर केड़ा है? उत्तर तुरना। नैक्सट, यात्री जग्यासू ते अभिलासी दे अर्थ विच किस व्यक्ति नाल जुड़े हैं? उत्तर तुरन वाले नाल। नैक्सट, तुरते रहने वाला व्यक्ति का प्रतीक कौन है? उत्तर श्री गुरु नानक देव जी। प्रश्न 34वां, दरियावां नाल निरंतर वहन वाला सभ्याचार केड़ा है? उत्तर पंजाब का सभ्याचार। 35वां, अजोके मनुख दियां शरीरिक समस्यावां क्यों वध गई हैं? उत्तर ना तुरन करके। 36वां प्रश्न, भुख ना लगे तां की रचना करना चाहिए है जां फिर दिल उदास होवे तां की करना चाहिए है? उत्तर तुरना। 37वां, अमीर घरां विच किन्ना दी सेहत ठीक हुंदी है? उत्तर नौकरां दी। 38वां, शांति ते स्वै विश्वास किस तरह उपजता है? उत्तर तुरन नाल। नैक्सट, केड़े पति पत्नी दुनिया की हर मुसीबत का खिड़े मत्थे सामना करते हैं? उत्तर इकट्ठे सैर करने वाले। नैक्सट, सब तो चंगी सैर किथे हुंदी है? उत्तर पानी के किनारे। वीर तीर ते गंभीर कौन हुंदा है? उत्तर तुरन वाला। तुरन नाल मन विच की उपजदा है? उत्तर शांति ते स्वै विश्वास। नैक्सट, ह्यून त्सांग ने फाहियान भारत किस तरह आए सन? उत्तर तुर के। नैक्सट, चेहरे दियां झुर्रियां किस तरह दूर हुंदियां हन? उत्तर बहुता तुरन नाल। सो जी हाँ दोस्तों, ये जी तुहाडे सब लई फुली सॉल्व इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो उम्मीद करना पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। इस तरह होर वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लवो तो नाल ते घंटी बटन जरूर दबा लवो। सो मिलते हैं नेक्स्ट तक, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।